please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई के आजाद मैदान में स्वास्थ्य सेविकाओं ने बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के तहत काम करने वाले इन सेविकाओं ने वेतन बढ़ाने की मांग को सामने रखा और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी। बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग में 4000 सेविकाएं काम करती है, लेकिन इनकी शिकायत है कि बीएमसी इन्हें अपना कर्मचारी नहीं मानता और ना इन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलती है। हाँ, मिनिमम वेजेस जो होता है वो हमें नियम के हिसाब से, कायदा के हिसाब से कोर्ट ने आदेश दिया, बट प्रशासन मना कर रही है। स्वास्थ्य सेविकाएं रोजाना घरों में जाकर बच्चों का टीकाकरण करती हैं और लोगों को बीमारियों से बचने की जानकारी देती हैं। वेतन बढ़ाने की मांग नहीं सुने जाने पर इन्होंने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया, जिसे कांग्रेस का भी समर्थन मिला। इसके बाद बीएमसी पर काबिज शिवसेना भी इनके साथ खड़ी दिखी। इनका मानधन डबल करो और इनको सेवा में भी ले लो। शिवसेना ने भी बीएमसी की ओर से जल्द ही स्वास्थ्य सेविकाओं की मांग पूरी करने का भरोसा दिया। चीन के एक इलाके में एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक लग्जरी कार बेकाबू होकर दूसरी कार से टकरा गई। इस हादसे के दौरान उस ट्रैफिक सिग्नल से कई गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन तभी एक लग्जरी कार रफ्तार से आई और वहां से गुजर रही दूसरी कार से टकरा गई। इस हादसे के दौरान लग्जरी कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से पहले इस कार ने एक चेक पोस्ट को रौंदा और फिर सामने से गुजर रही एक काली कार से टकराती हुई आगे बढ़ गई। इस जोरदार टक्कर के बाद लग्जरी कार ने वहां से गुजर रहे कई लोगों को कुचल दिया, जो सड़क पर कराहते नजर आए। हादसे के बाद वहां मौजूद लोग घायलों की मदद करने में जुट गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि लग्जरी कार के परखचे उड़ गए। अचानक हुए इस हादसे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद पुलिस ने घायलों को स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाया। मुजफ्फरपुर रेप कांड में सीबीआई की जांच के दौरान पता चला है कि इस मामले में आरोपी मधु की बड़ी भूमिका थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जांच में पता चला कि आरोपी मधु के पास काफी कैश रहता था और महीने में 20 दिन वो एनजीओ के काम से बाहर रहती थी और वो हमेशा महंगे होटलों में रहती थी। इसी बीच मुजफ्फरपुर रेप कांड में सीबीआई समाज कल्याण विभाग से काफी दस्तावेज अपने साथ ले गई थी। उस जांच के आधार पर विभाग के 15 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी सीबीआई के रडार पर। और मुजफ्फरपुर रेप कांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर मधु के पास काफी कैश रखने की बात सामने आई है और ये बात सामने आ रही है कि इस पूरे कांड में उसका बड़ा हाथ हो सकता है। 20 दिन के लिए वो एनजीओ के काम से बाहर रहती थी और हमेशा महंगे होटलों में रहती थी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक मशीन से पटे हुए कुएं में दब गए पिता और बेटे को खोजने के लिए खुदाई की जाने लगी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस कुएं में जमीन नीचे खिसक गई थी, जिसकी वजह से वो मिट्टी में दब गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए मशीन की मदद से जमीन खोदी जाने लगी। हालांकि गहरी खुदाई के बावजूद पिता और उसके बेटे का पता नहीं चला। दोनों मिट्टी भरकर पाटे जा चुके कुएं में उस वक्त दब गए जब उसके नीचे की जमीन खिसक गई। अकस्मात वहां की मिट्टी धस गई और नीचे चला गया। उसे बचाने के प्रयास में उसके पिता भी उसी में कूद पड़े और दोनों जमीन के अंदर दब गए। उन्हें खोजने के लिए खुदाई की गई तो गहरा कुआं भी नजर आने लगा। तब तक एनडीआरएफ की एक टीम भी इस मुहिम में जुट चुकी थी। एनडीआरएफ का एक जवान रस्सी की मदद से कुएं के अंदर गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। नीचे ऑक्सीजन की कमी और विषैली गैस होने की वजह से ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु हो गई। 6 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद कुएं से दोनों के शव को बरामद कर लिया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में ऐसे छात्रों को भी पास कर दिया गया जो परीक्षा के दौरान गैर हाजिर थे। ये मामला सामने आने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने CBI से इसकी शिकायत की, जिसके बाद CBI ने भोपाल में NIOS के रीजनल सेंटर पर छापा मारकर वहां से कई दस्तावेज जब्त कर लिए। जांच में पता चला कि NIOS के कई परीक्षा केंद्रों पर ऐसे छात्रों को पास कर दिया गया जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर भेजी गई अटेंडेंस शीट के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप है। दावा ये भी किया जा रहा है कि जांचने के लिए गुवाहाटी भेजी गई कॉपियों में NIOS का लोगो तक नहीं लगा था। हालांकि गड़बड़ी सामने आने के बाद भोपाल के NIOS के सेंटर के निदेशक समेत 12 लोगों का तबादला कर दिया गया। CBI की शुरुआती जांच में NIOS के एक कर्मचारी के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा कराए जाने की बात भी सामने आई। CBI का दावा है कि घोटाले के तार मध्य प्रदेश समेत 20 से ज्यादा राज्यों में फैले हो सकते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आधार हेल्पलाइन नंबर सेव होने पर गूगल ने माफी मांगी। एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अचानक से आधार हेल्पलाइन नंबर सेव होने पर गूगल ने माफी मांगते हुए इसे अनजाने में हुई गलती बताया और एंड्रॉइड सिस्टम के हैक होने की बात को नकार दिया।
गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बताया कि सरकार इसी महीने राज्य की नई कैसीनो पॉलिसी तैयार करेगी, जिसमें सभी कैसीनो को 4 साल के अंदर एक तय गेमिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र में शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की मांग कर रहे मराठा संगठनों के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। मुजफ्फरपुर कांड के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के धरने में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। उदयपुर पहुंचे राजस्थान सरकार में मंत्री श्रीचंद कृपलानी शुक्रवार को 2 बार हुई सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए, जिसके लिए उन्होंने जनता का आभार जताया। बिहार के मुजफ्फरपुर रेप कांड में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के 3 हथियारों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए गए। केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की अधिसूचना जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे के साथ रह रही असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सईदा तैमूर ने भी अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम NRC में ना होने पर हैरानी जताई। महाराष्ट्र के 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें समेत दूसरी मांगे पूरी ना होने के विरोध में 7 अगस्त से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी संसदीय सीट अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद सोनिया गांधी 2019 में चुनाव लड़ेंगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है, क्योंकि चर्चा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर अभी परिवार में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष राहुल गांधी अगले आम चुनाव में अमेठी सीट से ही मैदान में उतरेंगे, जबकि बीजेपी के सूत्र दावा कर रहे थे कि स्मृति ईरानी की वजह से राहुल गांधी सीट बदलने की तैयारी में है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि पार्टी नेतृत्व अगले आम चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए जुट गया, जिसके लिए वो 2 चरणों की चुनावी रणनीति तैयार कर रहा है, जिसमें यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में मजबूत गठबंधन बनाने पर जोर होगा। दूसरी ओर बीजेपी को ध्रुवीकरण से रोकने के लिए पार्टी उसे मुद्दों पर घेरेगी। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। पंजाब के मोगा में एक पुलिस वाला एक गोदाम पर लगा ताला तोड़ने लगा। उस गोदाम पर पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान बरामद किया गया, लेकिन उस गोदाम में घुसने के लिए और छापा मारने के लिए पहुंची टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ी। गोदाम के अंदर कुछ कैनिस्टर से रिफाइंड तेल मिला। नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम से पुलिस वालों ने तेजाब भी बरामद किया। तेजाब है सर, रहने दो। तेजाब गिराने से जमीन पर निशान बन गया। इसके बाद छापा मारने गई टीम को कुछ बोरियों में सफेद पाउडर मिला। ये पाउडर मोल्डो डिक्सट्रन था, जिसके साथ रिफाइंड तेल और तेजाब को मिलाकर नकली दूध तैयार किया जाता है। नकली दूध की इस फैक्ट्री से मिले सभी सामान की गिनती करने के बाद उन्हें जब्त कर लिया गया। गुजरात के राजकोट में पुलिस की टीम ने गोदाम में मूंगफली के बोरों की जांच की, जिनमें अधिकतर बोरों में मूंगफली के साथ मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर मिले, जिसके बाद मूंगफली खरीद में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगा, जिसकी शिकायत खुद गोदाम मैनेजर ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस टीम ने गोदाम में रखे मूंगफली के बोरों को खुलवाकर उनकी जांच की। जांच के दौरान पुलिस को बोरों में मूंगफली के साथ मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर मिले। इस घोटाले के सामने आने के बाद विपक्ष ने इस मामले की जांच कराने की मांग की। ये सदी का सबसे बड़ा किसानों से जुड़ा हुआ दफला है, उसकी जाँच गुजरात हाईकोर्ट की निगरानी में SIT बनाकर करना चाहिए। विपक्ष का हमला तेज होता देख गुजरात सरकार के मंत्री भी सामने आए और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। कौन सी मंडली ने ये ऐसी मूंगफली हमारे गोडाउन तक पहुंचाई, उनके बारे में हाल तपास चालू है और जिन्होंने एक किया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस मामले में 4 लोग पकड़े गए, जिनसे पूछताछ कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गुजरात सरकार ने पिछले साल 100 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी, जिसका बीमा कराकर उसको सरकारी गोदामों में रखा गया, लेकिन कुछ महीनों पहले ही मूंगफली से भरे 4 बड़े सरकारी गोदामों में आग लग गई, जिसके बाद CID जांच में आग लगने के पीछे गोदाम मैनेजरों की लापरवाही की बात सामने आई। उस वक्त भी शक जताया गया कि अच्छी मूंगफली निकालकर बोरों में मिट्टी भर दी गई। बिहार के भभुआ में कुछ छात्राएं अपने स्कूल के सामने जमा पानी के बीच से होकर पढ़ने के लिए जाने लगी। स्कूल के आसपास पानी जमा हो जाने से छात्राओं के लिए वहां पढ़ने के लिए जाना मुश्किल हो गया और ऐसा लगने लगा जैसे स्कूल किसी तालाब के बीच बना हो। एक दूसरे का कंधा पकड़कर छात्राएं पानी के बीच से अपनी क्लास तक पहुंची। पानी में आते हैं, बहुत दिक्कत होता है, हम लोग को गिर भी जाते हैं हम लोग और फिसल भी जाते हैं।
बड़ी बात ये कि स्कूल में सिर्फ बारिश के कारण ही पानी नहीं जमा हुआ, इसकी एक और वजह ये भी थी कि सरकारी स्कूल में पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। शिक्षकों का दावा है कि शिक्षा विभाग को कई बार स्कूल में पानी जमा होने की जानकारी दी गई, लेकिन स्कूल की हालत सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। डीएम और बीओ को बताया भी, लेकिन कोई व्यवस्था हो नहीं पा रहा है। शिक्षकों का दावा है कि स्कूल की इस हालत के कारण बहुत सी छात्राओं ने अपना नाम कटवा लिया, जिससे वहां पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या भी कम हो गई। अमेरिका के शिकागो में एक रैली के दौरान एक हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगा। ये रैली वहां बीते कुछ महीनों में हुई पुलिस की फायरिंग और गन कल्चर के विरोध में निकाली गई, जिसकी निगरानी के लिए पुलिस वालों ने हेलीकॉप्टर की भी मदद ली। इस रैली के दौरान कुछ लोगों ने वहां की सड़कों पर जाम लगा दिया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों पर काबू पाने के लिए घुड़सवार पुलिस वाले भी पहुंच गए। रैली में शामिल लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर ले रखे थे, जिनमें वहां कई हिंसक घटनाओं में मारे गए लोगों की तस्वीरें छपी थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार को गन कल्चर पर रोक लगाने में नाकाम बताया। इस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने बंदूक रखने के मामले में कड़ा कानून बनाने और नई गाइडलाइंस जारी करने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने शिकागो के मेयर से इस्तीफे की भी मांग की।